हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। नाउ इट्स योर वर्कशीट नंबर 4, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8th, शेड्यूल टू बी डन ऑन 29 सितंबर 2020। स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन योर नेम, योर क्लास टीचर्स नेम, योर स्टूडेंट आईडी एंड योर रोल नंबर। बेटा, आज आपको जो वर्कशीट 4 है आपकी मैथ्स की, वो है आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। Today's worksheet is on addition and subtraction of rational numbers, and now we are going to learn that how we can add and subtract the rational numbers. In the earlier worksheet, we learned how to show the rational number on a number line. Now we are learning how to add or subtract them. So let's start, dear students. As we know that 8 is equal to 8 upon 1, 6 is equal to 6 upon 1, and 14 is equal to 14 upon 1, 2 is equal to 2 upon 1. बच्चे देखिए, आप 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम 8 upon 1, 6 को 6 by 1 या 6 upon 1 लिख सकते हैं, 14 को 14 upon 1 और 2 को 2 upon 1 भी लिख सकते हैं। और जब आप 8 और 6 को प्लस करते हैं तो 14 आता है। अगर हम ऐसे ही 8 upon 1, 6 upon 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 14 upon 1। इसी तरह से 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, 8 अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन 1 करेंगे तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा, जो कि सेम है। अब देखिए, वी रोट 14 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन 1, नॉट द 14 अपॉन 2 और 2 अपॉन 2। हमने नीचे उनको ऐड या नीचे हमको उनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया। नीचे से आपको उनको डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है। हमें देखिए, आपको जैसे पता है बेटा, अगर हम लिखते हैं 14 अपॉन 1, तो 14 अपॉन 1 में 14 इज़ आर न्यूमरेटर एंड 1 इज़ आर डिनोमिनेटर। जब किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम डिनोमिनेटर को सेम वैसा ही लिखते हैं, और ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो डिजिट्स को हम जैसा साइन दिया है, प्लस या माइनस, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, उसके बेसिस पे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इफ़ टू और मोर रैशनल नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर्स, अगर दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ पे 1 था, देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमिनेटर्स अकॉर्डिंग टू साइन प्लस और माइनस एंड प्लेस द डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम अपना रखेंगे और उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो साइन है उसके अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर में वो जो भी हमें दिया है उसे करेंगे। तो देखिए, वी कैन ईजिली गेट द फॉर्मूला टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द रैशनल नंबर। इस तरह से हमें पता चल गया कि हमें रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। वेरी गुड, नाउ लेट्स डू। तो हमें अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखिए, शीला है, शीला गेव 1/8, यानी कि 1/8, 1/8 भी बोलते हैं बेटा इसको, 1/8 पीस ऑफ केक एंड 2/8 पीस ऑफ केक टू हर मदर एंड फादर रिस्पेक्टिवली। देखिए, जब रिस्पेक्टिवली आता है तो जो फर्स्ट वाले डिजिट है वो फर्स्ट के लिए होती है और जो सेकंड डिजिट बोली गई है वो सेकंड के लिए होती है। तो पहले मम्मी को उसने कितना दिया, 1/8, और पापा को कितना दिया, 2/8, ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। शीला है तो यहाँ पर हर बर्थडे आना चाहिए बच्चे, HER, हर अपने बर्थडे पर दिया उसने। तो देखिए, टोटल आपने पहले कितना किया, टोटल आपने इसके पार्ट्स कितने किए हैं, 8 पार्ट्स हैं केक के, उसमें से 1 पार्ट उसने मम्मी को दिया, M से लिखा हमने, 2 पार्ट्स उसने अपने पापा को यानी कि मदर को दिया और 2 पार्ट्स फादर को दिए। तो टोटल कितने पार्ट दिए बेटा, देखिए 8 तो नीचे सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमिनेटर जो है टोटल पार्ट्स तो वही रहेंगे ना। देखिए, यहाँ 8 टोटल पार्ट्स हैं, यहाँ भी केक के पार्ट्स तो टोटल 8 ही हैं, और टोटल 8 पार्ट्स में से तो डिनोमिनेटर सेम रहा, टोटल 8 पार्ट्स में से हमें एडिशन करना है, तो 1 + 2 = 3। तो ये देखिए 3, अब ये छोटे डिजिट है तो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि एक पार्ट ये है और दो पार्ट ये है, तो टोटल हो गए 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/8। इसी तरह से आप 3/8 जो बचा है, हाउ मच पार्ट ऑफ केक डिड शीला हैव। अब देखिए, टोटल जो पीसेस थे वो थे 8, पहले उसके पास 8 में से 8 सारे थे, पूरा केक उसके पास था। देन उसने क्या किया, उसने उसमें से 3 पार्ट्स यानी कि एक मम्मी को दिया, एक पापा को दिया, तो जो 3 पार्ट्स उसने दिए तो उसके पास कितने बचेंगे। तो बेटा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये 8 टोटल पार्ट्स थे, टोटल 8 पार्ट में से कितने पार्ट उसने दे दिए,
थ्री पार्ट्स, तो टोटल 8 पार्ट्स में से कितने उसके पास बचे, यस 5 पार्ट्स। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमिनेटर पहले 8 है, 8 माइनस 3 एंड दिस इज 5/8। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, रीता बॉट अ चॉकलेट ऑफ 10 पीसेस। अब रीता क्या लाई, चॉकलेट लेकर आई जिसके 10 पीसेस हैं। आपने देखा ना चॉकलेट के अंदर पीसेस होते हैं, तो 10 पीसेस थे उस चॉकलेट के। फ्रॉम विच शी गेव 2 पीसेस टू शाम, उसने 2 पीसेस शाम को दिए, और 3 पीसेस उसने 3 पीसेस टू मीना। अब उसने शाम को 2 पीसेस दिए 10 में से और 3 पीसेस दे दिए मीना को, तो आप देखिए टोटल कितने पीसेस दे दिए, उसने टोटल 5 पीसेस दे दिए। आप इसको कलर कर देंगे क्योंकि नीचे क्या आएगा, 10 सेम डिनोमिनेटर रहेगा, टोटल पीसेस तो 10 ही थे और दिए कितने हैं 5, तो आप देखिए यहाँ आ जाएगा 5/10। अब यहाँ देखिए, यहाँ है हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड रीता लेफ्ट विद। अब यहाँ पर देखिए ये जो बना है ये वाला बना हुआ है कि ये उन्होंने दे दिया। अब जब उनका ये उन्होंने दे दिया 10 में से 5 पार्ट्स दे दिए, तो ये ऊपर वाले दे दिए, तो नीचे वाले किसके पास रह गए बेटा, ये रह गए रीता के पास। तो आप देखिए टोटल 10 पार्ट्स ही हैं और 10 में से 5 चले गए, तो क्या बचेगा 5। अब देखिए हमारे कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं आज, रियली इट्स टू इजी, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस बिलो। बेटा जैसे आप फ्रैक्शंस का करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उससे मिलता जुलता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें क्या, हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल आपको जो भी फिगर बनानी है उसके इक्वल साइज़ होना, जो आप उसको डिवाइड करेंगे उसके पार्ट्स, वो कोशिश करिए कि वो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए बेटा। तो ये देखिए आपके टोटल पार्ट्स थे 4 इस फिगर के, और 4 में से 2 शेडेड हैं, तो 2 पार्ट्स आपके पास हैं और उसी का ही एक पार्ट 1/4 पार्ट, यानी कि इन दो में से 1 पार्ट जब आप माइनस करेंगे तो आपके 2 में से जब 1 पार्ट जाएगा तो क्या है। देखिए अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 2/4 माइनस 1/4 है। तो देखिए पहले डिनोमिनेटर सेम है, 4 लिखा आपने, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, देन 2-1 इज 1, और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है आप उसको लिख देंगे। तो ये आपको ऐसे भी पता चल गया सॉल्व करने से, और जब यहाँ 2 में से 1 पार्ट आपके पास, 2 टॉफी आप 2 में से 1 दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अगर हम इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को हम कलर कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचा है 1/4। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप सॉल्व भी करके दिखाइए साइड पे, और इसको पिक्चर से भी दिखाइए। बेटा अभी ये छोटी डिजिट है तो आप बहुत आसानी से पिक्चर से कर पा रहे हैं, लेकिन जब फ्रैक्शंस बड़ी डिजिट होंगी तो उसको करने के लिए आपको ये प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो अभी तो आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए छोटी डिजिट का यूज़ किया गया है, लेकिन इसके बाद जब आप इसको दूसरे डिजिट्स में करेंगे, आगे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपकी यही नॉलेज यूज़ होगी। तो आप इसको साइड में इस तरह से सॉल्व भी कीजिए, पिक्चर बना के उसको इस तरह से शेड भी कीजिए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर ये चॉकलेट है और उसके इस तरह से 5 बार्स हैं, बेटा देखिए 5 में से 4 आपके पास हैं और आपको 3 बार्स आपके फ्रेंड ने या आपके सिस्टर ने दे दिए। तो देखिए 5 में से ऑलरेडी 4 आपके पास थे, आपके सिस्टर के पास भी सेम चॉकलेट थी, उसने 2 खाए पार्ट्स, लेकिन उसने 3 पार्ट्स भी आप ही को दे दिए क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो दोनों ही पार्ट्स किसके पास हैं, आपके पास आ गए हैं दोनों ही पार्ट्स। तो क्या होगा, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4/5 प्लस 3/5, आप सबसे पहले 5 ही नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहता है, ऊपर न्यूमिनेटर जो भी हमें प्लस या माइनस कहा गया वो करेंगे। तो 4+3 इज़ क्या हो जाएगा, 4+3 इज़ 7 एंड 7/5 इज़ द आंसर। अब देखिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, जो आपके 4 पार्ट्स थे यहाँ से 1 पार्ट इधर, इसने एक पूरी आपकी चॉकलेट कंप्लीट कर दी, ये पूरी आपके पास आ गई, और उसके साथ साथ देखिए ये 2 पार्ट्स भी हैं तो ये 2 पार्ट्स भी आपने शेड कर दिए, ये भी आपके पास आ गए। तो टोटल कितने पार्ट्स आ गए आपके पास, यस आपकी चॉकलेट जो थी 5 पार्ट्स वाली चॉकलेट थी जो एक कंप्लीट थी, और आपके पास अभी 7 पार्ट्स आ गए। तो इस तरह से ही आपको बेटा और क्वेश्चंस भी करने हैं, जो रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी बुक में, उसको करिए, उनको सॉल्व करके देखिए, आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे।
और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, या आप खुद भी अप्लाई करके घर पे किसी शेप में अलग अलग शेप्स बनाकर इसको ट्राई करके देखिए। बस ये ध्यान रखिएगा बेटा कि वो जो आप डिवाइड करेंगे, जो पार्ट्स बनाएंगे, वो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। आई होप यू विल इन्जॉय। सो कीप लर्निंग, इन्जॉय योर लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।